मॉर्निंग स्टूडेंट, कल जो अपने टॉपिक पढ़ा था मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, उसका अपन ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। फिर इस मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया और उसकी टू एप्लीकेशंस कर लिए अपन ने। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन ने कर ली इंटरनल एनर्जी, जो आपके पास 3/2 NKT आ गया, ठीक है। सेकेंड अपन ने कर लिया स्पेसिफिक हीट, वो आपके पास आ गया 3/2 NK। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो और करते हैं अपने पास थर्ड एप्लीकेशन। देखना थर्ड एप्लीकेशन है अपने पास हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की एप्लीकेशंस कर रहे हैं अपन। एप्लीकेशंस में फर्स्ट इंटरनल एनर्जी आ गई अपने पास 3/2 NKT, सेकंड अपने पास स्पेसिफिक हीट डिराइव कर दिया 3/2 NK, थर्ड अपने पास करेंगे अपन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है। अब देखो, वी नो दैट From the definition of Helmholtz free equation, F bar is equal E minus T of S. Equation first. Helmholtz free energy का formula आपने पास होता है F is equal E minus T S. F Helmholtz free energy, E internal energy, T आपके पास temperature को define करेगा, S आपके पास entropy. But we know that, from entropy, entropy S is equal Kn log Z plus E bar by 2. पीछे अपन ने टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में अपने पास एंट्रोपी S is equal K n log Z plus E bar upon T। अब देखो, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है। इक्वेशन सेकंड से जो एंट्रोपी S की वैल्यू है वो अपन फर्स्ट में यूटिलाइज करते हैं, फर्स्ट में यूज करो तो F is equal E bar minus T आपके पास as it is, S की वैल्यू लगाते हैं अपन, तो K n log Z plus E bar upon T, ठीक है। क्या कर दिया, इक्वेशन सेकंड का इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर दिया, मतलब S की वैल्यू पुट अप कर दें। अब T को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो F bar is equal E bar minus K T n log Z plus आपके पास T मल्टीप्लाई होगा तो T से T कैंसिल आउट, अरे ये E bar, ठीक है। अब देखो, यहां आपके पास KTN log Z, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये माइनस, ठीक है। क्या किया, इस T को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इस ब्रैकेट, तो E से E अपने पास कैंसिल आउट, तो F is equal आपके पास वैल्यू आ गई KTN log Z, इक्वेशन A। ये आपके पास क्या हो गई, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। मतलब मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू ये इन फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ये अपने पास थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। फोर्थ देखो, अपन कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी क्या होती है आपके पास। अब देखो, अपन ये जानते हैं कि एंट्रोपी अपने पास ये होती है, वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी एस इज इक्वल के एन लॉग जेड प्लस ई बार अपॉन टी, ये होता है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अपन को करना क्या है, अपन को एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
इन फंक्शन ऑफ पार्टिशियल फंक्शन, और एंट्रोपी किसकी कैलकुलेट करनी है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की। तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की एंट्रोपी का फॉर्मूला डेराइव करना है इन फॉर्म ऑफ पार्टिशियल फंक्शन। नाउ अब अपन क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ लॉग जेड, पुट वैल्यू ऑफ लॉग जेड। कल लास्ट वाले वीडियो में अपने लास्ट में लॉग जेड, अपने पास जेड पार्टीशन फंक्शन आया था ना, उसका अपन ने लॉग लिया था, वो लॉग जेड की वैल्यू अपन को यहां पुट अप करनी है, ठीक है। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ लॉग जेड, वी नाउ दैट तो लॉग जेड इज इक्वल कितना होता है आपके पास, लॉग वी प्लस 3/2 लॉग 2πm के अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3/2 लॉग टी। यही निकाला था ना अपने कल अपने पास लॉग जेड, कि लॉग वी प्लस 3/2 लॉग 2πm के अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3/2 लॉग टी। ये लॉग जेड की अपन वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट S is equal k n log z की वैल्यू लगाओ, तो log v plus 3/2 log 2πm k upon h square plus 3/2 log t, ये अपन ने वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है। अब देखना log z की अपन ने वैल्यू पुट अप कर दी, प्लस ये है e बार अपॉन t, ठीक है। e बार यहां पे है आपके पास इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए अपन ने कल कैलकुलेट की थी, e बार वो आया आपके पास 3/2 nkt। e बार की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/2 nkt। तो ये वैल्यू अपन पुट अप करेंगे यहां, तो we know that from the internal energy of monoatomic ideal gas E bar is equal 3/2 nkt, तो 3/2 nkt यहां पुट अप करेंगे, तो t से t कैंसिल आउट, वैल्यू ओनली आपके पास कितनी आ जाएगी, 3/2 nkt, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करें तो आपके पास s is equal kn, अब देखो kn log of v plus 3/2 log t plus c plus c। अब देखना इस इक्वेशन को अपन ने अरेंज करके ऐसे लिख दिया, kn आपके पास एज इट इज, log v एज इट इज, 3/2 log t एज इट इज, रहा क्या 3/2 log 2πm mk upon h square plus ये 3/2 mk, ब्रैकेट में ले लो हमने 3/2, उसकी वैल्यू आपके पास किसको अज्यूम कर लिया अपन ने, c। समझ में आ रही है ना बात, इस इक्वेशन को अरेंज करके मैंने ऐसा लिख दिया, ये एज इट इज, जो रिमेनिंग पार्ट रहा उस रिमेनिंग पार्ट को मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया। अब यहां पे देखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी ऑफ पार्टीशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मतलब मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब देखना यहां पे एक चीज अपन देखते हैं कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल ये जो टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर टी की वैल्यू टेंस टू जीरो है, तो टेम्परेचर टेंस टू जीरो, तो यहां लोग जीरो, लॉग जीरो से वो सॉर्ट आउट करेंगे तो एंट्रोपी है, एंट्रोपी टेंस टू आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि हमेशा कह रहता है इम्पॉसिबल, एंट्रोपी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो अपनी क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स है जो अपन पढ़ रहे हैं, वो क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर के लिए ये स्टेटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होती है। इज दैट क्लियर,
मतलब मिनिमम टेम्परेचर टी टेस्ट टू जीरो होगा, तो टी टेस्ट टू जीरो में एंट्रोपी एस टेस्ट टू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो एंट्रोपी एस टेस्ट टू इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। दैट इज यहां से इंपॉर्टेंट रिलेशन ये निकलता है कि क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स लो टेम्परेचर के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो S is equal K n log V plus 3 by 2 log T plus C, ये आपके पास एंट्रोपी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो देखो अपन ने यहाँ पे टू एप्लीकेशन कल कैलकुलेट कर ली थी, टू एप्लीकेशन अपन ने आज कैलकुलेट कर ली ना। तो फर्स्ट हेलमहोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और एंट्रोपी हो गई। अब देखो एक इसकी लास्ट एप्लीकेशन और है, लास्ट एप्लीकेशन फिफ्थ नंबर, वो है आपके पास स्टेट इक्वेशन, वो अपन डेराइव करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टेट इक्वेशन अपने पास क्या होती है, वी नाउ दैट डी ऑफ एफ इज इक्वल डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन अपन ने यहां से निकाल दी। हेलमहोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ इक्वल टू ए माइनस टी एस होता है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो डी एफ इज इक्वल डी ई बार माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। एंड वी ऑल्सो नाउ डी ई बार इज इक्वल टी डी एस माइनस पी डी वी, थर्मोडायनेमिक्स रूल। इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड का यूज कर दो फर्स्ट में, तो डी एफ इज इक्वल डी ई बार की वैल्यू टी डी एस माइनस पी डी वी, बाकी वाले टर्म एज इट इज माइनस टी डी एस माइनस एस डी, ठीक है। एक टर्म कैंसिल आउट, तो डी एफ इज इक्वल माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी एस डी टी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन का आपके पास v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे t को कांस्टेंट करते हुए, तो अपने पास वैल्यू आएगी डेल एफ अपॉन डेल्टा वी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल पी, कि डेल एफ अपॉन डेल्टा वी कर दिया इसका, वी के रेस्पेक्ट में करेंगे अपने पास, वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास डेल एफ अपॉन डेल्टा वी टी कांस्टेंट आपके पास इज इक्वल पी, टी आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल। ये अपने पास इक्वेशन थर्ड आ गया, क्या किया कि df इक्वल टू de माइनस tds माइनस sdt, ये टर्म यहां से कैलकुलेट कर दी, ठीक है। de की वैल्यू आपके पास होती है tds माइनस pd की, थर्मोडायनेमिक्स रूल। इस इक्वेशन का अपन ने यूज यहां कर दिया, यहां यूज करते ये टर्म कैंसिल आउट, ओनली ये रिमेनिंग टर्म रहे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब आप f की वैल्यू जानते हो, f की वैल्यू आपके पास ये रही हेलमहोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तो नाउ वी यूजिंग हेलमहोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इन दिस इक्वेशन। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है, इस इक्वेशन नंबर थर्ड में अपन इक्वेशन ए का यूटिलाइज करेंगे, तो ए का यूटिलाइज करेंगे तो p इज इक्वल माइनस का आपके पास एज इट इज है, डेल अपॉन डेल्टा वी एज इट इज है, और आप f की वैल्यू लगाते हैं, एफ की वैल्यू आपके पास के टी एन लॉग ऑफ जेड, ठीक है। अब देखो ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल बाहर निकाल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास कितना हो गया के टी एन डेल अपॉन डेल्टा वी ये लॉग जेड, लॉग जेड की वैल्यू पुट अप कर दो, पुट वैल्यू ऑफ log z, तो p इज इक्वल एन के टी डेल अपॉन डेल्टा v, log z की वैल्यू पुट अप करो log v प्लस
थ्री बाई टू लॉग टू पाई एम के टी साथ में ले लो अपॉन एच स्क्वायर। ये थी ना आपके पास टर्म। इसका डबल डेल अपॉन डेल्टा वी करो, डेल अपॉन डेल्टा वी करेंगे तो ओनली इससे होगा लॉग वी का कितना हो जाएगा वन अपॉन वी, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है ना डिफरेंशियल, तो डेल अपॉन डेल्टा वी लॉग वी, और बाकी सारे कॉन्स्टेंट वेरिएबल है तो पी इज इक्वल एन के टी लॉग वी का वन अपॉन वी। तो ये टर्म कैंसिल आपके पास आ गई एन के टी अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई पी वी इज इक्वल एन के टी। हियर वी सपोज गैस कॉन्स्टेंट एन इंटू के इज इक्वल आर, तो पी वी इज इक्वल आर टी। दिस इज द स्टेट इक्वेशन, ये PV equal to RT आ गया आपके पास, इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये आपके पास लास्ट एप्लीकेशन हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अपने पास इंटरनल एनर्जी 3 by 2 nkT आ गया, स्पेसिफिक हीट 3 by 2 nk आ गया, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी f की वैल्यू ये आ गई, एंट्रोपी s, s की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, और लास्ट अपने पास स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन ने अपने सोल्व करके निकाल लिया, तो pv इज इक्वल nkT और pv इज इक्वल आपके पास क्या आ गया rt आ गया। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट, इसको आप अपने फेवरेट नोटबुक पे भी लिखना और समझना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो इस पे डिपेंड अपन एक प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्वेश्चन है आपके पास कि अपन को ये प्रूफ करना है कि आपके पास एंट्रोपी या आपके पास एक फॉर्मूला है आपके पास, इसको अपन को डिराइव करना है, ठीक है, कि अपने पास कि वी प्रूव दैट एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज माइनस के समेशन ऑफ आई पी लॉग पी आई। प्रॉब्लम क्वेश्चन कि प्रूव दैट any system of entropy is minus k summation of i pi log pi। ये आपको प्रूफ करना, किसी भी सिस्टम के लिए आपके पास एंट्रोपी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेयर pi क्या है, वेयर pi आपके पास क्या है, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम। अब अपन इसको क्या करेंगे, एक पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी वी नाउ दैट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी रिलेशन पी ऑफ आई इज इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ई आई अपॉन पार्टीशन फंक्शन जेड। ये आपके पास टर्म होती है कि प्रोबेबिलिटी pi इज इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ei अपॉन z। अब देखो दोनों तरफ अपने पास क्या कर देंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा pi into z इज इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ei। इस इक्वेशन के बोथ साइड लॉग ले लो, तो लॉग लोगे तो लॉग ऑफ pi into z is equal log exponential आपके पास छोटा छोटा हो जाएगा, only आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी beta of pi आ जाएगी। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई आपके पास, ठीक है। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं आपके पास है? कि मीन एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, we know that from the mean energy E bar is equal summation of i कितनी होती है pi of ei, इक्वेशन थर्ड आपके पास, ठीक है। तो यहां तक अपने क्या लिख लिया, प्रोबेबिलिटी लिख ली pi इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा ei अपॉन z, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, सॉर्ट आउट कर लिया, फिर लॉग ले लिया, फिर अपने पास मीन एनर्जी pi इनटू आपके पास ei हो गया। अब वी नो दैट
फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एंट्रोपी, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है, एस इज इक्वल के लॉग जेड प्लस बीटा ई बार, ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, अनदर फॉर्म एस इज इक्वल के लॉग जेड प्लस बीटा ई बार, समझ में आ रही है आपके पास। अब देखो बीटा ई बार है, बीटा ई बार की अपन वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू पुट अप करेंगे तो एस इज इक्वल के लॉग जेड प्लस बीटा ई बार, ई बार आपके पास मीन एनर्जी, मीन एनर्जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, समेशन ऑफ आई पी आई और आपके पास ई आई, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करते हैं तो एस इज इक्वल के लॉग जेड प्लस आपके पास पी आई को मैं बाहर निकाल दूं तो समेशन ऑफ आई, ये आपके पास क्या हो गया, बीटा ई आई हो गया। अब देखो बीटा ई आई की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास बीटा ई आई, बीटा ई आई की वैल्यू अपन क्या पुट अप कर सकते हैं आपके पास नेक्स्ट टर्म में, लॉग पी आई इनटू जेड, एस इज इक्वल के लॉग जेड प्लस पी आई, ठीक है, और समेशन ऑफ आई आपके पास एज इट इज, और वैल्यू आपके पास बीटा ई आई, बीटा ई आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, लॉग पी आई इंटू जेड, पी आई इंटू जेड, ये टर्म है ना आपके पास, और ये टर्म भी आपके पास किसकी में, नेगेटिव में, तो ये टर्म है यहां पे आपके पास कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सोल्व करो एस इज इक्वल के लॉग जेड, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन कितना आ जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, पी आई लॉग पी आई, समेशन साथ में रहेगा, और फिर नेक्स्ट माइनस पी आई लॉग जेड, ये टर्म रहेगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास देखो ये समेशन ऑफ आई, और यहां भी आपके पास समेशन ऑफ आई, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है कि पी आई यहां पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का समेशन ऑफ आई पी आई इज इक्वल होता है वन, कितना होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको पता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन होती है आपके पास, एस इज इक्वल के लॉग जेड माइनस पी आई लॉग पी आई, ठीक है, और ये आपके पास कितना है, पी आई की वैल्यू वन हो गई तो माइनस लॉग जेड, ठीक है। अब ये आपके पास कितना हो गया, लॉग जेड से लॉग जेड आपके पास कैंसिल आउट, तो एस इज इक्वल के माइनस पी आई लॉग पी आई आपके पास रिजल्ट आ गया, ये आपको सॉर्ट आउट करना था। तो आपको करना है क्या, ओनली इतना ही करना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एनी सिस्टम ऑफ एंट्रोपी इज, वैल्यू ये होती है वेयर पी आई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आईथ सिस्टम, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए अपन ने कुछ नहीं किया, ओनली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, लॉग लिया, फिर अपन ने मीन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, मीन एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया, फिर एंट्रोपी का फॉर्मूला लिख लिया, एंट्रोपी के फॉर्मूले में लिख के ई बार की वैल्यू पुट अप कर दी, ई बार की वैल्यू पुट अप करने के बाद में ये वैल्यू पुट अप कर दी, फिर इसको सॉर्ट आउट कर लिया, फिर समेशन ऑफ पी आई की वैल्यू 1, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वैल्यू पुट अप कर दी, सॉल्व कर लिया, तो लास्ट रिजल्ट अपने पास ये आ गया। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।